Hello, good evening and welcome to Dhaka Bilal Sharma Show. मैंने आज एक रिसर्च निकाली है. क्या? कि हंसने के फायदे बड़े पाजी. अच्छा? हाँ, बहुत ज्यादा फायदे हैं. संजीवनी बूटी? बहुत ज्यादा पाजी, बड़ी वाली बूटी. ओहो. सबसे पहले तो जो आदमी हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, गर्ल्स लाइक हिम सो मच. तो दूसरा फायदा, आदमी अगर आधा घंटा जिम करे या एक घंटा हमारा शो देख ले तो सेम कैलोरीज बर्न होती हैं. तीसरा फायदा, जो कपल हंसते रहते हैं हमेशा उनकी जोड़ी बनी रहती है. चौथा फायदा, हंसना मेमोरी के लिए बड़ा अच्छा है. आप याद रखें, आप एक्चुअली बाजी ऐसा होता है, आपको वो चेहरा जरूर याद रहता है जिसकी शक्ल देख के आप हंसे हो, है कि नहीं है? तो और सबसे बड़ी बात ये बाजी, हंसते हंसते कई लोग मिनिस्टर बन जाते हैं. तो मैं हंस तो है कि नहीं. और आज हमारे बहुत सारे पुराने साथी आने वाले हैं, मतलब लाफ्टर का डबल ट्रिपल ट्रिपल डोज होने वाला है यहाँ पे. तो हमारे कुछ पुराने दोस्तों में से एक एक करके मैं इनवाइट करना चाहूंगा. सबसे पहले तो कॉमेडी के बेताज बादशाह राजू श्रीवास्तव, उनके लिए जोरदार तालियां. राजू भैया, बढ़िया. अरे वाह, वही जोश, वही उत्साह पाजी. आप भी एकदम नहाए धोए एकदम फ्रेश लग रहे हैं. मैं बैठ जाऊं? आपका शुरू हो गया? आओ बैठो. चलो ठीक है, बैठो. अरे अरे अरे, राजू भाई के लिए जोरदार तालियां. पाजी आ जाएंगे खेलना. आपको डबल डबल जिम्मेदारी मुबारक हो. यू कैन, यू ओनली इन इंडिया. एक बात बताओ राजू भाई, इतनी इंग्लिश कैसे, क्या बोला आपने? इंग्लिश में मतलब भाई साहब मैं बोल गया बस. बाकी ये संभाल लें. I will. Yeah, that's good. देखिए, मेरा तो जिंदगी में एक ही फंडा है. मेरा जिंदगी का मलमूत्र यही है. मेरा जिंदगी का मूल मंत्र यही है. मलमूत्र. जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भाई तू रहने दे, हम कर लेंगे. पाजी आप तो कपिल को इस उम्र से जानते हैं. हैं, इसको कोई कुछ भी कहे, मैं एक बार साफ कर देना चाहता हूँ. क्या? ये कपिल जो है इतना संस्कारी है, आए हाय, इतना कल्चर्ड है, आए हाय, इतना सीधा है, ओए होए, इतना भोला है, ओए होए, ये बाथरूम के अंदर टॉवल पहन के चड्डी बदलता है. क्या बात है यार. जो हंसे अभी, देखिए कपिल ने लाफ्टर के बारे में बताया, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, है ना संजीव? अभी आप समझी कुछ नहीं, वही यूं कर रही हो. जो हंसे उसका घर बसे. वाह. जो हंसे उसका घर बसे. कपिल ध्यान रखो, हंस ले जरा. जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे. बढ़िया यार. साली ने अपने जीजाजी से कहा. हाय हाय. साली ने अपने जीजा जी से कहा, जीजा जी हम पास हो गए हैं, मिठाई खिलाइए, हम पास हो गए हैं, मिठाई खिलाइए. जीजा जी, हाँ खिला देंगे, पहले और पास हो जाओ. आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी शौचालय बनाने के लिए बहुत जोर दे रहे हैं. तो क्लास में टीचर ने कहा, किस किस के घर में टॉयलेट बना है? तो सबने हाथ उठाया, एक बच्चे ने नहीं उठाया. क्यों, तुम्हारे घर पे टॉयलेट नहीं बना है? नहीं मास्टर जी, हमारे घर पे दाल चावल बना है. बच्चे ने एक दांत के डॉक्टर से कहा,
क्या? डेंटल डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अंकल आप बिना दर्द के दांत निकाल सकते हैं? बिना दर्द के? डॉक्टर ने कहा, नहीं बेटा, थोड़ा बहुत तो दर्द होता है। मैं बिना दर्द के दांत निकाल सकता हूँ? हाँ निकालो। लोग एक चीज बहुत गलत बोलते पाजी। हाँ कपिल, तुम मेरी बात से एग्री करोगे, एक चीज बहुत रॉन्ग बोलते हैं लोग, बोलते नाम में क्या रखा है। भाई साहब, नाम में बहुत कुछ रखा है, आप सोच के देखिए। अगर कैटरीना कैफ का नाम हो सावित्री देवी, आलिया भट्ट का नाम हो सत्यवती, और कपिल का नाम हो रमा शंकर, और सिद्धू का जी का अगर नाम हो अयोध्या प्रसाद, आप सोच के देखिए। आपको लगता है क्या फिर ऐसे में ये सुपरहिट नहीं होते? तब भी होते, बाकी तो टैलेंट वही होता, तब भी होते, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा होता है। अच्छा, अपने देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके मैं नाम लूंगा तो आपको एक तस्वीर बनेगी उनकी। जैसे एक प्रदेश है, ऐसा लगता है वो बोलता है, अरुणा चल, अरुणा क्या बात है। थैंक यू। एक प्रदेश है ऐसा लगता है हंटर लिए हुए, हंटर लिए हुए बिना पेमेंट के कह रहा है, कर्नाटक। कर्नाटक कर कर। और अपना देश पाजी इतना अजूबा है, इतना प्यारा है, चाहे महाराष्ट्र का कोई गांव हो, पंजाब का कोई गांव हो, बिहार का कोई गांव हो, यूपी का कोई गांव हो, वहां अंग्रेजी चाहे ना आती हो, लेकिन एक शब्द अंग्रेजी में ही लिखते हैं, ब्यूटी पार्लर। आज तक कहीं भी आपने ये लिखा नहीं देखा होगा, ब्यूटी पार्लर को हिंदी में महिला मुख एवं काया पलट जादुई केंद्र। दोस्तों, कुछ ऐसे शहर हैं अपने देश में, ऐसा लगता है कि वो कुछ कह रहे हैं, उनमें एक दबंगई है, एक मर्दानगी है, एक गुस्सा है। जैसे एक शहर है राजस्थान, चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, विजयवाड़ा, भगवाड़ा, भटिंडा। और छा गया गुरु, छा गया। अच्छा, कुछ हैं ऐसा लगता है उनमें दम नहीं है, या तो कमजोर हैं, इतने जाड़िया जड़े लोग, बीच में एक पतला सा कोई खड़ा है, ये कौन है? ये बरेली। इसके पीछे कौन है? उरई। वो एकदम पतली सी, वो परेल, पुरी, पुणे, चुरू। उस पीछे कौन है, जाड़िया कौन है? वो दूसरा काठ गोदाम। और वो कौन है, खतरनाक खतरनाक चेहरे वाला, वो कौन है? हावड़ा, कोलकाता, घाट कोपर, नाला सोपारा। उसके पीछे तीन महिलाएं एकदम पतली से बैठी हुई है, ये कौन है? कांदी वाली, बोरी वाली। पाजी, आप तो कपिल को बचपन से आप जानते हैं, ही इज अ बिग फैन ऑफ पेट्स, करेक्ट, डॉग लवर है, बहुत अच्छी बात, तालियां होनी चाहिए। मेरे भी मेरे यहाँ भी पली हुई है, फीमेल है। अच्छा, एली नाम, एली, एली। हाँ, अपने डॉग को दूर ही रखना थोड़ा है, तुम्हारा मेल है। उसको दूर रखना। वो है क्रॉकर स्पेनियन। कौन सी क्रॉक? यार अंग्रेजी में कॉकर स्पैनियल, कॉकर स्पैनियल, कॉकर स्पैनियल, वो खत्म डॉग ही होता है। हाँ, हाँ, खत्म करो, क्रोकोडाइल पाला है वो, ठीक। तो मैंने ना इन कुछ डॉग्स से बातचीत की अपनी सोसाइटी में। अच्छा, कुत्तों से बातचीत की, कुत्ते एक बात को लेके इतना हैरान है, इतना परेशान है। किस बात को लेके? 100 साल से परेशान है। अरे किस बात को लेके? कुत्ते, वो कहते हैं इंसानों को इसमें क्या मजा आता है, मुझे घर पे खरीद के लेके जाते हैं और बॉल फेंकते हैं और कहते हैं लेके आओ।
इसमें एंजॉयमेंट क्या है? फर्स्ट डे खरीद के लाएंगे, फर्स्ट डे आया पहली बार बंगले में आया, वो पूरा घर सूंघ रहा है, घर के फैमिली मेंबर भी सूंघ रहा है, क्योंकि उसको मालूम नहीं इनमें से खाना हड्डी वगैरह कौन देगा। इतने में साहब ने बॉल ली, बॉल फेंक दिया, गो 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 गेट इट गो, क्या हो गया? गो टॉमी, टॉमी गो, टॉमी टॉमी कौन, टॉमी कौन? मैं अच्छा अच्छा, नाम रख दिया, जिसको रखा उसको तो बताओ। गो टॉमी गो 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 गेट इट, क्या अर्जेंट है क्या? अर्जेंट गो टॉमी, अच्छा पता नहीं इसको मजा आता होगा। गया मुंह से बॉल लिया, दे दिया, उसको लगा शायद एक बार करेगा और ये सेटिस्फाइड हो गया होगा। बॉल देके अब डॉग झाड़ में अपनी बॉडी रगड़ रहा है। इतने में साहब ने फिर बॉल लिया, फिर फेंक, गो गो टॉमी गो, क्या बात हो गई? इधर आ सत्यनाशी, जब तू बॉल मंगाता है तो फेंकता क्यों है? एक बार राजू भाई के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा लगा राजू भाई आपको आज इतने दिनों बाद मिलके, बहुत बहुत स्वागत है राजू भाई के लिए, जोरदार तालियां। आज हमारा मकसद यही था कि आज हम बैठ के हंसेंगे, और आज राजू भाई आपने बहुत हंसाया, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। अभी बातें और भी चलती रहेंगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।